तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी, 11 बजे होटल पीटर हॉफ में बैठक का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? दरअसल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के सुधांश सिंह इस बैठक में शामिल होंगे, सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इसमें शामिल होंगे, प्रभारी अविनाश राय खन्ना इसमें मौजूद रहेंगे और इसके अलावा सह प्रभारी संजय टंडन भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसके जरिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। संभावित उपचुनाव पर मंत्रणा हो सकती है, बीजेपी पदाधिकारियों के काम की भी समीक्षा इस बैठक में होगी। इस बैठक में और क्या कुछ खास रहेगा, सेवा समर्पण अभियान पर मंथन भी संभव है। पन्ना समितियों की भी दरअसल समीक्षा इस बैठक में हो सकती है। त्रिदेव प्रशिक्षण वर्ग पर भी चर्चा संभव। तो कई मायनों में बैठक बहुत खास, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली, संभावित उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा संभव है। विकास शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आज 11 बजे बीजेपी पदाधिकारियों की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए महिमा, मैं इस समय शिमला के वही ऐतिहासिक पीटर हॉफ में मैं इस समय मौजूद हूं और यहीं पर ये बैठक जो है इसका आयोजन होने जा रहा है। इस बैठक में सीधे तौर पर बीजेपी आज इस बात पर रणनीति जरूर बनाएगी कि आने वाले जो उपचुनाव हैं या चुनाव हैं किस तरह से रणनीति जो है वो बनाई गई है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भाजपा संगठन के जो बड़े कार्यक्रम हुए हैं, चाहे प्रशिक्षण शिविर की बात कर ले, पंच परमेश्वर जो शिविर है इनके उनकी बात कर ले, या फिर इसके अलावा जो सेवा ही समर्पण भाग दो की अगर बात करें, जिस तरह से ये तमाम योजनाएं जो है वो चलाई जा रही थी, कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे थे, इन तमाम कार्यक्रमों की क्या आज क्या जगह है, कहां जनता के बीच में ये कार्यक्रम पहुंचे हैं, किस तरह से कार्यक्रम किए गए, इन तमाम चीजों की जो है आज यहां पर समीक्षा की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि कहां तक संगठन जो है वो लोगों के बीच में पहुंचा है। इसके साथ ही आज क्योंकि देखिए सौदान सिंह जी यहां पर पहुंच रहे हैं, सौदान सिंह वो हैं जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के अलग से प्रभारी हैं। ऐसे में इनके साथ ये बैठक जो है वो यहाँ पर होगी, इनके अध्यक्षता में होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। सह प्रभारी संजय टंडन यहाँ पर रहेंगे, प्रभारी अविनाश राय खन्ना यहाँ पर रहेंगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इस बैठक में पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिला स्तर के जो प्रभारी होंगे, जो जिला प्रभारी होंगे, सह प्रभारी होंगे, तमाम लोगों के साथ बैठक यहाँ पर की जाएगी और जो पूर्व में जितने भी काम किए गए हैं संगठन की तरफ से, क्योंकि देखिए ये नहीं भूलना चाहिए आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर को जो अब रथ यात्रा यहां पर निकाली जानी है, स्वर्णिम रथ यात्रा इसे कहा जा रहा है, जिसके ऊपर धरातल पर काम करने के लिए संगठन और सरकार को मिलकर काम करना होगा। इस तरह के संकेत पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है अपने बयानों के जरिए यहां पर करते रहे हैं। तमाम ये चीजें रहने वाली है, संगठन की कितनी तैयारी है इस रथ यात्रा को लेकर, स्वर्णिम रथ यात्रा के जरिए आम जन तक कैसे पहुंचा जाएगा, किस तरह से ये रथ यात्रा जो है वो 51 जगहों पर किस तरह से जाएगी, ये तमाम कार्यक्रम जो है उसकी समीक्षा आज यहां पर की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उपचुनाव और चुनावों को लेकर जो 2022 के चुनाव हैं, क्योंकि उपचुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है, अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग है उसने ये कहा है कि अभी आपको त्योहारिक सीजन के चलते या फिर जो तमाम त्योहार हैं इनके चलते जो कार्यक्रम है इस तरह से अभी आयोजन जो है वो चुनावों का यहां पर नहीं किया जा सकता, लेकिन
ये बहुत अहम हो जाता है। सभी पार्टियों से सुझाव जो है वो यहाँ पर मांगे गए थे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात के संकेत दे चुके हैं कि भाजपा पूरी तरह से, जयराम सरकार पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही आज शाम को जब ये बैठक खत्म होती है, इस बैठक के तुरंत बाद एक छोटी टोली की बैठक, यानी कि जिसे छोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कोर ग्रुप जो है, छोटा कोर ग्रुप, उसकी बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें जयराम ठाकुर होंगे, अविनाश राय खन्ना होंगे, सौदान सिंह जी होंगे, संजय टंडन होंगे, त्रिलोक कपूर होंगे और तमाम ये नेता जो है, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में क्या आज पूरे दिन में निकला है, इसके ऊपर मोहर यहाँ पर लगेगी और ये तय किया जाएगा कि अगला कार्यक्रम जो है वो भाजपा का क्या रहने वाला है, संगठन को आगे जो है वो किस तरह से करना है, लेकिन संगठन को आगे कैसे और मजबूत करना है, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा आज बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में होने वाली है। विकास, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।